2025 के आईपीएल को लेकर अब एक खास खबर देखने को मिल रही है और खास खबर ये है कि 2025 के आईपीएल के लिए चेन्नई की टीम ने अपने रिटर्न खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आप सभी को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ अगर लिस्ट में आगे बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो में हम चेन्नई की टीम के साथ साथ बेंगलोर, मुंबई और लखनऊ और बाकी टीमों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो टीमें भी कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन कर सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें आईपीएल 2025 के बारे में तो आईपीएल 2025 में रिटेन के लिए अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। कोई भी टीम इन 6 खिलाड़ियों को आरटीएम या फिर रिटेशन रूल के तहत अपनी टीम से जोड़ सकती है। साथ ही साथ कोई भी टीम अधिकतम 5 कैप्ट खिलाड़ी यानी कि जो इंटरनेशनल खेलते हैं उन खिलाड़ियों रिटेन कर सकती है और साथ ही साथ अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। तो अब अगर आईपीएल 2025 के बारे में बात करें तो आईपीएल 2025 में सबसे बड़ा सस्पेंस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बना हुआ है और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और साथ ही साथ भारतीय पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी को लेकर यह सस्पेंस बना हुआ है कि एमएस धोनी आगे आने वाले सीजन 2025 में भी चेन्नई टीम से खेलेंगे या फिर एमएस धोनी रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले हैं। तो अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर चेन्नई के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने कुछ बयान दिए हैं। हरभजन सिंह से चेन्नई सुपर किंग्स के रिटेन खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो हरभजन सिंह ने कुल 5 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिनमें पहला नाम आता है एमएस धोनी का। एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर रिटेन कर सकती है। एमएस धोनी के साथ साथ चेन्नई की टीम अपने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र और बॉलिंग में मथिसा पथराणा को रिटेन कर सकती है। हालांकि अभी तक इसकी चेन्नई की टीम की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हरभजन सिंह के अनुसार एमएस धोनी 2025 में भी आईपीएल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब अगर चेन्नई के बाद में बात करें अगली टीम मुंबई इंडियंस के बारे में तो 2024 के आईपीएल में मुंबई की टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने जब से कप्तानी संभाली है तब से मुंबई की टीम बहुत ही परेशानियों का सामना कर रही है। 2024 के आईपीएल में रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तो उसके बाद सभी फैंस मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब जब से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है तभी से हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच का रिश्ता भी बहुत ही ठीक नजर आ रहे हैं। जहां पहले इन दोनों के बीच में काफी कड़वाहट नजर आ रही थी और एक तरफ यह लग रहा था कि अगले सीजन यानी 2025 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ने वाले हैं, लेकिन इस टाइम पे स्थिति बहुत ही काफी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन 2025 के आईपीएल से पहले सूर्य कुमार यादव के बारे में एक खबर निकल के सामने आई है कि सूर्य कुमार यादव 2025 के आईपीएल में कोलकाता की टीम से जुड़ने वाले हैं। गौतम गंभीर की टीम इंडिया कोच बनने के बाद से ही सूर्य कुमार यादव पर गौतम गंभीर की बहुत ही बड़ी मेहरबानी हो रखी है। कोच बनने के बाद से ही T20 में हार्दिक पांड्या को कप्तान से हटाकर सूर्य कुमार को कप्तान की भूमिका सौंप दी गई है। तो अब अगर मुंबई की टीम के बारे में बात करें तो मुंबई की टीम में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और साथ ही साथ तिलक वर्मा को रिटेन किया जा सकता है। मुंबई की टीम के बाद में बात करते हैं लखनऊ की टीम के बारे में तो लखनऊ की टीम में कप्तान केएल राहुल भी पिछले सीजन लखनऊ की टीम से काफी नाराज नजर आए जब एक मैच के बाद में लखनऊ की टीम के मालिक ने कप्तान केएल राहुल को डांट फटकार लगाई और तभी से ये माना जा रहा था कि लखनऊ की टीम से केएल राहुल विदा लेते हुए नजर आने वाले हैं। और हाल ही में लखनऊ की टीम के मालिकों की केएल राहुल के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद भी केएल राहुल ने यह स्थिति साफ नहीं की है कि केएल राहुल आगे आने वाले सीजन में लखनऊ की टीम से खेलेंगे या फिर विदा लेंगे। लेकिन अगर लखनऊ की टीम के बारे में बात करें तो लखनऊ की टीम में निकल्स पुरन, ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या, साथ ही मार्कस स्टोइनिस, इन तीनों को रिटेन किया जा सकता है। चेन्नई, मुंबई और लखनऊ की टीमों के बाद में बाकी टीमों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।